अमी एक और बात है जो मैं हमेशा सोचता था बचपन से, जब मैं ये टीवी शोज भी देखता था या स्कूल के टाइम भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, एक तरह से देखा जाए तो इतने अच्छे काम करने के बाद भी, इतना धर्म का पालन करने के बाद भी, दोनों ही किताबों के जो नायक हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो एक सैड एंडिंग का थोड़ा सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर देखें तो राम और सीता कभी साथ नहीं रह पाए उसके बाद, इतना युद्ध जीतने के बाद भी और सब चीज़ों के वनवास सहने के बाद भी। उससे जैसे पांडवों ने भी इतना कुछ सहा, दो दो बार वनवास गए, सब चीज़ किया, पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो दे लॉस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट मे बी राज्य को छोड़कर, उनके बच्चे पूरे उस युद्ध में चले गए। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या आप इन्हें सैड एंडिंग्स मानते हैं? कृष्ण का देखो, श्री कृष्ण का हाँ, श्री कृष्ण भी उसमें देखा जाए पूरा तो द्वारका, पूरे यादव जो भाई बंधु थे आपस में लड़ सब गए वो। देखो, इसीलिए ना मैं इनको इतिहास मानती हूँ, एंड नॉट जस्ट फैंटास्टिकल टेल्स, बिकॉज दिस इज लाइफ यार। संघर्ष जीवन है, संघर्ष सत्य है, संघर्ष इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। धर्म संकट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, एथिकल डायलेमाज आर द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इससे भागा नहीं जा सकता, कोई भी भाग नहीं सकता, ये तो आएंगे ही आएंगे। केवल उसको संकट नहीं होता, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ धर्म संकट केवल उसको नहीं होता, एक जिसको पूर्ण क्लैरिटी है, 100% फुल क्लैरिटी ऑफ व्हाट धर्म इज, ठीक है, जैसे कृष्ण जैसे कुछ ही हो सकते हैं। एंड अदर साइड वो है जिनको पूर्ण क्लैरिटी है प्रायोरिटी क्या है, जैसे दुर्योधन, जस्ट मैं, नोबडी एल्स मैटर्स, राइट। उनको संकट नहीं होगा, बाकी सबको संकट होगा, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। सो वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम धर्म संकट इधर। वॉट आर दीज एपिक्स टेलिंग अस? संघर्ष होगा, धर्म संकट होगा, इन सब के बीच हमको निर्णय लेने ही पड़ेंगे। हम किस प्रकार निर्णय लेंगे वो हमारा व्यक्तित्व, हमारे मूल्यों पर आधारित होगा, और जो भी जिस प्रकार हम निर्णय लेंगे उसका भी रेपरकशन हमको भुगतना पड़ेगा, राइट। बट देर इज नो रनिंग अवे, दिस इज लाइफ। हम सब आते हैं, वी प्ले आर रोल्स एंड वी गो अवे। हाउ वेल वी प्ले आर रोल्स विल डिपेंड ऑन आवर ओन अपब्रिंगिंग, आवर वैल्यू सिस्टम्स एंड इंद्रिय जय। हाउ वेल वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस एंड टेक आर डिसीजंस। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पर विजयी होकर हमारे जो डीप डिजायर्स, इंटेंस सेल्फ ग्रैटिफिकेशन को कंट्रोल कर कर क्या हम ऑब्जेक्टिवली निर्णय ले सकते हैं? फिर कोई भी परिस्थिति हो ना, सुख दुख वाली कोई भी, हम निर्णय भी लेंगे एंड फिर भी उस परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखने का हिम्मत कर पाएंगे। वरना दिस इज लाइफ यार, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। संघर्ष से भाग ही नहीं सकते। ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लेसन।